सो वी ऑल नो मसल बिल्डिंग के लिए हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करना कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो अपने जिम और डाइट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत आफ्टर 10th स्टार्ट कर दी थी। सो मैं समझ सकता हूँ अपने कॉलेज और जिम को मेंटेन करने में कितनी तकलीफ आ सकती है, बट रिलैक्स, इस वीडियो में आपको फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली होने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर विश कर देना चाहता हूँ, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और आप इस ईयर आप अपने फिटनेस और अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दें और ज्यादा प्रोग्रेस करें। प्रोटीन चीजों को थोड़ा कन्वीनियंट जरूर कर देता है, बट उसके बिना ये नहीं है कि हम उसके बिना अपने प्रोटीन इंटेक को कम्प्लीट नहीं कर सकते। सो इसलिए इस वीडियो में हम बिना किसी वे प्रोटीन का यूज किए 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन इनटेक हिट करेंगे। सो ये एक बजट फ्रेंडली फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको हाई प्रोटीन मील्स दिखाऊंगा ताकि आप अपने स्कूल कॉलेज या जॉब के साथ अपना डाइट बैलेंस कर पाओ, और मैं हर मील के एंड में उनके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दूंगा ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। और इस वीडियो में मैंने अपने 3 ऐसे मेजर पॉइंट्स पे ध्यान दिया है, पहला कि हमारी मील्स बजट फ्रेंडली हो, सेकंडली वे काफी इजी टू प्रिपेयर मील हो, और लास्टली इन सब के साथ हम टेस्ट में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने मील के साथ एंजॉय कर सको और उनके साथ कंसिस्टेंट रह सको। सो या बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मील नंबर 1 पर। सो पहले तो गुड मॉर्निंग, ये वीडियो मैं सुबह शूट कर रहा हूँ इसलिए हमारा आज बैकग्राउंड भी चेंज है। पहले अपने 11th क्लास में पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैं सुबह जिम जाता था, एंड आई नो काफ़ी लोग सुबह जिम जाना प्रेफर करते हैं, और उन सभी का कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम मॉर्निंग रूटीन में जब जिम जाते हैं तो ऐसा क्या प्री वर्कआउट मील खाकर जाएं, क्योंकि वी ऑल नो सुबह सुबह टाइम का बहुत इशू होता है। सो पहले तो एक प्रॉपर मील बनाना, देन उसको खाना, देन फिर उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम देना, तो उन सब का टाइम तो हमारे पास होता नहीं है। तो सो बेस्ट ऑप्शन है 2 बनाना, इसे आप अपने मॉर्निंग वर्कआउट से हाफ एन आवर पहले खा सकते हो। आप सभी को पता होगा बनानाज में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, इससे हमारा मॉर्निंग वर्कआउट इजी रहेगा और उसमें हम काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। जब मैं कभी मॉर्निंग में वर्कआउट करने जाता हूँ तो मैं अभी बनाना खा के चल जाता हूँ, और इसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैं स्किन पे सामने डाल दूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मील नंबर 1 पे। हमारा मील नंबर 1 होने वाला है होममेड मास्गेनर शेक। सो सुबह सुबह लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं है कि एक तो पहले उस मील को बनाना, फिर उसको खाना, और डाइजेशन के लिए उसको टाइम देना। सो हम क्या करेंगे, हम सुबह सुबह होममेड मास्गेनर शेक बनाएंगे। इसकी रेसिपी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैंने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो सेपरेट बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप सबने उस पर काफी सारा प्यार दिया, रेस्पॉन्स दिया, फिर भी मैं आपको एक छोटा साइड दे देता हूँ कि उसकी रेसिपी बनती कैसे है। सबसे पहले आप एक शेकर लें, शेकर के बाद उस पर ओट्स डालें, उसके बाद हम थोड़ा उसको ग्राइंड करेंगे, जब उसका पाउडर फॉर्म बन जाएगा उसमें हम वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने के बाद उसमें छोटे छोटे बनाना उसके स्लाइसेज ऐड करेंगे, उसके बाद पीनट बटर ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करके उसको ग्राइंड कर देंगे, तो काफ़ी कम टाइम में 100 से 800 के बीच कैलोरीज मिल जाएंगी जो कि मैं स्किन के सामने डाल दूंगा। अब चलते हैं मील नंबर 2 पे, जो कि होने वाला है हमारा लंच। काफ़ी सारे बच्चे स्कूल में लंच कैरी करते हैं, कॉलेज में मैस या कैंटीन में वो खाते हैं, तो मैं भी घर का ही बना हुआ खाना खाता हूँ जिसमें ज़्यादातर राइस होते हैं, रोटियां होती हैं, घर की सब्जी होती है, बस मैं एक सेपरेट चीज में इंक्लूड करता हूँ, या तो बॉइल्ड एग्स या उनके साथ मैं पी लेता हूँ 1 स्कूप वे प्रोटीन। अब सबके पास वे प्रोटीन तो होता नहीं है, तो आप अलग से उसके साथ बॉइल्ड एग्स खा सकते हो, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो तो उसके साथ आप पनीर खा सकते हो। लंच के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैं आपको आपके सामने डाल दूंगा स्क्रीन पे, उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। आता है हमारा प्री वर्कआउट मील पे, जो हम जिम से पहले खा के जाने वाले हैं। इस मील में हम ज्यादातर कार्ब्स लोड करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, बिकॉज हमें एक्सरसाइज करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उस चीज के लिए मैं खाता हूँ ब्राउन ब्रेड, 4 स्लाइसेस ऑफ होल ब्राउन ब्रेड, और उसके साथ खाता हूँ मैं बनानास के छोटे छोटे। सो ब्राउन ब्रेड के बीच में मैं उन छोटे छोटे पीसेस को डाल देता हूँ बनानास के छोटे पीसेस करके, और अगर आप चाहते हैं तो इसके साथ हम पीनट बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा प्री वर्कआउट मील तैयार। मैं इस वीडियो में काफ़ी इजी टू प्रिपेयर मील बता रहा हूँ आपको। ब्राउन ब्रेड लेना है, उनके बीच में आपको बनानास कट करके डालना है, और उसके साथ आप पीनट बटर भी ऐड कर सकते हो। छोटे मीन्स जल्दी भी प्रिपेयर हो जाता है, इसका टेस्ट भी काफ़ी सही होता है, मैं रोज़ ये खा के जाता हूँ। लेकिन ये वीडियो हमारी हाई कैलोरीज के ऊपर होने वाली है, जितनी ज़्यादा कैलोरीज होंगी उतना ज़्यादा बेटर रहेगा और उतना अच्छा हमारा बल्क भी होगा। सो इस मील की मैक्रोज भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। तो अब हमने प्री वर्कआउट मील खा, चलते हैं छोटे से वर्कआउट के पे। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100.
सो वर्कआउट तो हमारा काफी अच्छा हो गया है। वर्कआउट करने के बाद मैं डायरेक्ट घर आता हूँ। घर आने के बाद हमको चाहिए होती है थोड़ी सी एनर्जी के लिए। सो जो एनर्जी हमने वर्कआउट करने में लगा दी है उस एनर्जी को रिकवर करने के लिए मैं खाता हूँ एक बनाना। उसके बाद मैं डायरेक्ट पीता हूँ अपना प्रोटीन शेक। हाँ, मेरे पास वे प्रोटीन है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक रेसिपी जो मैं दिखाने वाला हूँ हमारे मील नंबर 4 उसको ट्राई करना, आपको सेम या उससे भी ज्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा। चलते हैं मील नंबर 4 पे। ये हमारी होने वाली है हाई प्रोटीन मील। सो इस मील को बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स। सिर्फ 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स में हमको 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा, उस वे प्रोटीन के एक स्कूप के बराबर। सो इस मील को बनाना काफी इजी। आपको सोया चंक्स लेने हैं, थोड़ी देर आपको पानी में उसको भिगो के रखना है। जब भी थोड़े से फूल जाए तो उनका सारा पानी निकाल के उसको हल्की कढ़ाई में कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालना है, उसको गर्म होने देना है। फिर इस सोया चंक्स को उसमें डाल देना है। फिर आप उसमें कोई सा भी अपना फेवरेट मसाला, पेरी पेरी मसाला, वैसे तो मैं घर में मैगी मसाला यूज़ करता हूँ, उसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उसको थोड़ी देर हम पका लेंगे, मीन्स सॉटे कर लेंगे, और फिर ये हमारी मील हो जाएगी प्रिपेयर। इस मील से मिलेंगे हमें 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो हमारा मसल रिकवरी को बूस्ट कर देंगे। उसके बाद आता है रात को डिनर, तो देखते हैं डिनर में क्या होता है, क्योंकि घर पे जो भी बनता है मम्मी जो भी बना के देती है मैं खा लेता हूँ। लेकिन उसके साथ में एक्स्ट्रा बस गर्म मम्मी से कह देता हूँ कि 4 अंडों की भुर्जी या उनको बॉईल करके साथ में दे देते, देखते हैं आज क्या बनता है। सो आज बनी है आलू की सब्जी। आलू की सब्जी मेरी फेवरेट है, और क्या कहते हैं उसके साथ चपातीस, 3 से 4 चपाती मैं खाता हूँ, उसके साथ है 4 अंडों की भुर्जी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसके साथ आप पनीर खा सकते हैं, कोई भी ऑल्टरनेटिव चीज़ इसके अलावा जो प्रोटीन के सोर्स में हाई हो। सो इसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैं आगे इसके में डाल दूंगा। और एक बजट फ्रेंडली डाइट दिखाया मैंने आपको, आप अगर चाहते हो, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो वो पैसे आप वे प्रोटीन में खर्च कर सकते हो या कोई मल्टीविटामिन्स में खर्च कर सकते हो। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका एक न्यू बिगिनर फ्रेंड है अगर और उसको वेट गेन या मसल गेन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर करना। सो मैं चलता हूँ अब, और मैं अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वो बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक फिटनेस रिलेटेड कॉन्टेंट डालता रहता हूँ। और अगर आपको कुछ भी फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट में जरूर डालना, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा एम है आपको हिट बनाना, फिट बनाना। बाय।